गस्तो मजा है ले ले मा रम्मैलो काली ओडाली गस्तो। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। वोटिंग रोटा। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग आए हुए हैं भीम डोंगरी दोबारा। कॉज है कि यहाँ पे बोटिंग फैसिलिटीज आज हो रही है, सो कवर अप करेंगे आज दिन भर में ये, और देखते हैं आगे क्या होगा। मुझे भी नहीं पता, डमरू ऐसे दिख रहा है पता नहीं क्या है। ज्यादा लहर होता है तो ये ऐसे ऐसे सांप की तरह मचलता भी है। और ये देखिए गाय बोलो तो लोग गाद रहे हैं। गर्मी इतना ज्यादा हो रहा है, क्या करेंगे यार गाय बोलो तो लोग। आपको पता है इंसान भी नहा रहे हैं लेकिन इनमें और उनमें कोई अंतर नहीं। काऊ एक ऐसा एनिमल है जो मतलब अपना फीलिंग्स को अंदर दबा के रखता है, लेकिन जब वो निकालता है ना तो वो परवाह नहीं करता कि वो कितना भारी है। वो एकदम मस्त इंजॉय करने लगता है एकदम। ये देखिए एकदम चिल कर रहे हैं ये लोग, समर वेकेशन का मजा ले रहे हैं। जिंदगी हो तो ऐसी हो ना, जिंदा तो सब है। ये देखिए वो हमारे वजह से डिस्टर्ब हो गया। हाय हेलो, कैसे हो? सब ठीक? सब ठीक। मीनवाइल तुझे क्या प्रॉब्लम है? टिकट सिस्टम करो भाई, 50 रुपए उठेगी। कहते बोल बे, टाइम नहीं कवर था बोल लावा। सो भैया को बहुत फोर्स करने के बाद भैया हमें इस पे एक राइड देने के लिए मान गए। मतलब ये पहला दिन है ना, गजब बेइज्जती है। बोल लावा तो वैस वैस ले लो दिन। वैस चालू हो गया हमारा गाड़ी सवाड़ा। डायरेक्शन दिखा रहे हैं, हम लोग कुली मिस्त्रिया से खट रहे हैं। और वो मस्त एकदम बाट दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है बोटिंग करके, और मस्त हम लोग एकदम स्पीड जा रहे हैं एकदम। और हमारे बाबा हमारे कैप्टन है। पता है हरामी हो बेटा। दिन के 12 बजे ऐसे धूप में हम लोग बोटिंग कर रहे हैं, एकदम पसीने से नहा चुके हैं। रो पुलिस के बाद भी नहाएंगे, और अभी बहुत थकान लग रहा है लेकिन मज़ा भी आ रहा है। और ये कैमरामैन कामिल यूसुफ के साथ चांद नवाब कहाँ था दाएँ था कहाँ मजा लगता है जैसे भी कुड़ी के Getting back to the station। और मैं एकदम खड़ा हूँ, एकदम डर लग रहा है मेरे को, बट होपफुली हम टकराए ना इससे, और ये दो टक्कर ना हो ना हो ना हो। आओ एक्सपीरियंस कहो कितना रहला। बहुत मस्त लाला, बहुत मस्त लाला, वो कितना लाला कहो। बोला काना काम है दोपहर जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आओ दा किसी को कंदा ला ला दूंगी। थैंक यू दा, बाय। भेटमा फिर ढूंढी के जो मंदिर है वहाँ पे आपको मिल जाएगा पानी, बट खाने पीने के लिए कुछ फैसिलिटीज नहीं है अभी तक, तो प्लीज अपने खाने का सामान खुद लेके आइए, क्योंकि अभी टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है बलांगीर में, और हमारा सच में लगी पड़ी है, इतना गर्मी हो रहा है यहाँ पे। सो इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, लाइक या कमेंट करके हमें प्लीज़ बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। और लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। हेशमती शाम राजम अकेले खींच दिए, देख रहे हैं। ये जो सन है ये पाइप लगा के एक ग्लूकोंडी की तरह खींच रहा है हमारे एनर्जी। चुटकी जल्दी गर्मी का मौसम आया, चुटकी जल्दी घमोरिया लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे गर्मी। ठीक है परामास पकाल खाओ घर पे सो वाला। सो गाइस ये भीम डूंगरी है जो कि मेरे ब्लॉग में है, जो अभी आपके इस जगह पर दिखा रहा है। फिर आप भीम डूंगरी के बारे में पूरा अच्छे डिटेल्स में पता चल जाएगा, आप कैसे आएंगे, क्या है यहाँ पे, क्यों है, सब उसमें डिस्क्राइब है। तो ये भीम डूंगरी के मंदिर के एग्जैक्टली सामने है ये जगह, जहाँ पे आप ठंडा पानी ले सकते हैं।
रियली गाइस ठंडा एकदम चिल्ड जगह पे आप देख के जान सकते हैं कि पानी ठंडा आ रहा है। गर्मी इतना ज्यादा हो गया है कि खुद छांव खोज रही है छांव। पिछली बार जब आए थे तो उन्होंने फीडबैक दिया था कि यहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया और ऊपर पानी की टंकी लग चुकी है। सो हैप्पी कि मतलब अगर हमारी वजह से किसी ने सुन लिया होगा तो आई एम सो हैप्पी कि चलो कुछ तो अच्छा हो रहा है हमारे ब्लॉगिंग से। सो गाइस आफ्टर बहुत कड़ी मुशक्कत के बाद गोइंग बैक टू होम, और सच में झाव मार मार देगा यार, देख के ध्यान रखो, समर है, खाना पीना मस्त करो और बी हाइड्रेटेड, सो टेक केयर। ऐसा इंसान नहीं हूँ भैया, आपका दिल जो देना होगा दो, वरना लाइक करो फॉलो करो।